अभी जस्ट मैं ड्यूटी में से घर पे आया और सडनली मुझे कॉल आया मेरे भाई का कि मैं अभी घर आ रहा हूँ। तो वो अभी यहाँ पे आ रहा है क्योंकि जो मेरा पुराना पीसी पड़ा है वो उसको चाहिए था, तो मैंने बोला तू ले जा, वैसे भी मैं यूज़ नहीं कर रहा, तो अब वो पीसी मैं उसको दूंगा। वो एक आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया मैं यो अभी अभी मैं जस्ट इमेजिन, मैंने बोला कि मेरा भाई का फोन आया, अभी आ रहा है भाई, यो छोटा भाई ब्रो। मेरा। देख भाई, इसमें है ना मॉनिटर है, हाँ नहीं इसमें सीपीयू है, बराबर। इसमें जो खोल के देख, आराम से आराम से। हाँ, रिनोवेशन जी बाकी है भाई। ओके बराबर। माउस पैड दिखा लूंगा इसको, एक एक बार चेक करा ले हो, भाई तो कल जाके चेक कर लूंगा मैं। भैया जो मस्त एडिट करते, अभी तो मैं मेरे व्लॉग का खुद ही एडिट करूंगा, नेक्स्ट आगे टाइम नेक्स्ट टाइम इसको दूंगा। मेरा भाई यूट्यूब पे बहुत तरक्की करेगा, तो बात की बात है, लेकिन अभी मैं उसको मेंशन कर दूंगा, मेरे भाई को फॉलो कीजिए। ओके, नीचे मैं इसकी आईडी मेंशन कर दूंगा, अब उसको जरा आईडी चेक कर लेना। ओके भाई, जरा देख ले ठीक है। उसमें सब चीज़ सही है या नहीं है। तो फाइनली अब गाड़ी को इंश्योरेंस में देने का टाइम आ चुका है। मुझे एजेंट का कॉल आया था अभी कि आप इंश्योरेंस में गाड़ी दे जाओ। पूरी धूल जमी हुई है भाई, आपको दिखाता हूँ मैं कहाँ कहाँ पे गाड़ी में स्क्रैच हुए है। इसको पहले रख देते हैं अपन। हाँ तो देखिए, लेकिन यहाँ पे हुआ स्क्रैच, यहाँ पे, फिर यहाँ पे, यहाँ से टूट गया है, विंडशील्ड भी टूटी हुई है। ये किस तरह टूटी वो भी मैं आपको बताऊंगा आगे। और यहाँ पे ड्राइवर साइड पे ये बहुत दर्द होता है भाई, जब आपकी नई गाड़ी को इस तरह से चोटें लगती है। शिट बो, तो गाड़ी अब इंश्योरेंस में देने जा रहा हूँ अभी। गर्मी बहुत, एसी चालू कर दे। मैं आपको बता दूं कि ये गाड़ी को डैमेज किस तरह से हुआ। स्टार्टिंग में जब ये गाड़ी नहीं ली थी मैंने, स्टार्टिंग में जब मैंने ये नई गाड़ी ली थी तब मुझे इतनी गाड़ी आती नहीं थी। ओके चलो, कैमरा गिर गया था होल्डर से, इसलिए गाड़ी साइड में रख के चला कैमरा सेट किया। ओके, मेरा दोस्त है जो रेनॉल्ट कंपनी में सुपरवाइजर है, उसको भी मैंने कॉल किया है, वो आता ही होगा क्योंकि वो एक इंजीनियर है, तो उसे पता होगा कि भाई क्लेम में किस कैटेगरी में ये आएगा, कौन सा डैमेज क्या है वगैरह वगैरह।
घर से थोड़ी दूरी पे शोरूम है, बस मैं जल्दी निकल जाता, लेकिन फिर समीर का कॉल आ गया, मेरे कज़िन का, कज़िन भाई का, कि उसको जो मेरा पुराना वाला पीसी है वो चाहिए था, क्योंकि मैं अभी इतना यूज़ नहीं करता पीसी को, मुझे लैपटॉप लेना है नया वाला। सो मैंने उसको बोला कोई बात नहीं, पीसी मैंने अपने पीछे वाले स्टोर रूम में रखा है, तू आके ले जा। मेरा भाई समीर एक फोटोग्राफर है और एक वीडियो एडिटर है, वीडियो एडिट काफ़ी अच्छे करता है। अगर आपको और किसी भी टॉपिक पर ब्लॉग देखना चाहते हैं तो वो मुझे आप कमेंट में सजेस्ट कर सकते हैं। वैसे मैं ट्रैकिंग भी करता हूँ, मुझे माउंट क्लाइंबिंग भी पसंद है, नई नई चीज़ें और नई नई जगह को एक्सप्लोर करना भी पसंद है। फर्स्ट ब्लॉग बनाया था अभी, जो मेरा दोस्त आ रहा है उसकी शादी का ब्लॉग बनाया था, आज उसको भी शायद एक साल होने आया है। तब तो सिर्फ मस्ती में बनाया था ऐसे ही कि भाई चलो भाई फ़ोन है, सेल्फी कैमरा चालू कर दिया और जो भी हो वो बना लिया। लेकिन मेरी काफ़ी दोस्तों ने मुझे कहा कि नदीम अगर तू इतना अच्छा ब्लॉग बना सकता है तो उसमें ट्राई क्यों नहीं करता आगे, देवानी छे इंश्योरेंस में देवानी है नहीं इंश्योरेंस वीमा में देवानी छे गाड़ी वीमा में। चलो पहुंच गए भैया शोरूम में। शुक्रिया भाई। तो फाइनली गाड़ी क्लेम में जा चुकी है, 4 से 5 दिन लगेंगे बोल रहे हैं ऐसा। अब देखते हैं क्या होगा। ये भैया हमारे इंजीनियर साहब है, इसी की वजह से आज हम ये गाड़ी क्लेम में पास कर पाए, वरना हम नहीं कर पाते। अजहर शेख चलो चलो। तो आज हमने हमारी गाड़ी इंश्योरेंस में दे दी है। अभी मैं अपने दोस्त के वर्क प्लेस रेनॉल्ट के वर्कशॉप में हूँ, अब यहाँ से घर जाऊँगा और इस दिन का एंड लाऊंगा। आज का पूरा दिन बहुत हेक्टिक रहा, इतने सारे काम किए, मीटिंग अटेंड की, गाड़ी का इंश्योरेंस क्लेम करवाया और कई सारे काम किए। नेक्स्ट व्लॉग के लिए स्टे ट्यून, एंड आपका कोई भी सजेशन हो, कोई भी अच्छा बुरा, आप प्लीज़ कमेंट में दे दीजिए और लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कीप सपोर्ट। थैंक यू। जन्नत इफ्तारी का टाइम।